एलडी गवर्नमेंट, एलडी गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी, 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 एलडी गवर्नमेंट, एलडी गवर्नमेंट, एलडी गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, अखनूर के निर्दोष चौक में। कोविड फेज टू चल रहा है और लगातार केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि समाज के हर वर्ग के लिए इस कोरोना महामारी में जो है सहायता पहुंचाई जा रही है, उनके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में आप देख सकते हैं हमारे पीछे कुछ दिव्यांग हैं जिनके लिए सरकार बड़े बड़े दावे करती आई है कि दिव्यांगों को, जिनको पहले हैंडीकैप्स कहा जाता था, नाम बदला, कहा कि इनको दिव्यांग का दर्जा दिया जाए, इनके लिए तमाम किस्म की अनाउंसमेंटें जो है वो की गई। लेकिन ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन कितनी हुई उसको लेकर ये लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का साफ कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान जब सभी को सरकार की द्वारा सहायता मिली, ये एक ऐसा तबका रहा जिनको किसी किस्म की कोई मदद जो है डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं दी गई। सरकार जम्मू कश्मीर प्रशासन की बात करें तो दिव्यांगों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव भी शुरू की गई थी प्रायोरिटी पे, लेकिन उसमें भी एक बड़ी मुसीबत जो इन लोगों के सामने आई वो ये थी कि वोटों की बारी हो, इलेक्शन हो, तो इनको घर से उठा के ले जाया जाता है। तमाम लीडर इनके लिए गाड़ियां ले आते हैं, स्कूटर बाइक ले आते हैं, क्योंकि तब वोट लेना है। लेकिन जब वैक्सीन करवानी थी तब किसी ने इनकी सुध नहीं ली, किसी ने इनको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं दी गई। शायद इसीलिए आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को कहूंगा कि यहां दिखाएं, ये सिर मुंडवा कर आज यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है, सरकार से विरोध किया जा रहा है, क्योंकि इनका कहना है कि बार बार हम प्रशासन के पास, सरकार के पास अपनी मांगों को लेकर गए हैं, लेकिन किसी ने हमारी सुध नहीं ली और दिव्यांगों को समाज में सबसे पीछे छोड़ा गया है। जेएनके डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन जो है हमारे साथ मौजूद हैं सुशील जी, इनसे सीधी बातचीत करेंगे। सुशील जी, कोरोना महामारी चल रही है, ऐसे में मजबूर होकर आपको प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्या वजह है इसकी? देखिए, नमस्कार अतुल जी, सबसे पहली बात तो ये मैं कह दूं आपको कि एक आदेश पारित हुआ था 20/8/2020 को, 11 महीने हो गए हैं, आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जम्मू कश्मीर में हम सरकार से बहुत बार इल्तिजा कर चुके हैं, डीएम से भी कर चुके हैं, डीसी से भी कर चुके हैं, जनरल किस बारे में ऑर्डर था वो? सर, ये रामविलास पासवान जी ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मंत्री थे CAPD के, उन्होंने सभी दिव्यांगों के लिए AAY राशन कार्ड जो इशू करने का ऑर्डर दिया था। ये आपके सामने कापी है, आज तक अखनूर तो गया, कहीं भी जम्मू कश्मीर में AAY राशन कार्ड दिव्यांगों को नहीं दिया जा रहा है। वो क्यों नहीं दिया जा रहा है, हम ये पूछना चाहते हैं। ब्यूरोक्रेसी का कसूर है, LG गवर्नमेंट का कसूर है, या हमारे जो डायरेक्टर हैं उनका कसूर है? क्या सिर्फ अखनूर में ही जो AAY कार्ड नहीं बने हैं दिव्यांगों के, या पूरे जम्मू कश्मीर में? सर, पूरे जम्मू कश्मीर में। मैंने TSO ने हमें कहा कि आप लिस्टें प्रोवाइड, हालांकि उनका काम है ये लिस्टें लेना, डिसेबल लोगों की लिस्टें लेना उनका काम है, जाइए CMO ऑफिस, जाइए तहसील सोशल वेलफेयर में, मगर हमने उनको लिस्टें प्रोवाइड करवा के 1.5 महीना हो गया है। हमने उनको कहा था कि अगर आपने जल्द से जल्द हमारी कार्रवाई नहीं शुरू की तो हम प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे, मगर उन पर कान पर जूं नहीं रेंगती है। इसकी वजह से पिछले दिनों मुझे मैसेज दिया कि SDM साहब कह रहे हैं कि चौकी चौरा की लिस्ट भी दे दो, हमने वो भी दे दी, मगर आज तक कोई भी हमारे लिए ना AAY राशन कार्ड इशू हो रहे हैं, ना उन पर कोई कार्रवाई हो रही है। दूसरा नंबर, सभी को सरकार ने पैकेज दिए हैं कोविड टाइम में, शिकारे वाले हैं, पिट्ठू वाले हैं, सभी को पैकेज दिए हैं, स्पेशल पैकेज। क्या हम डिसेबल लोगों के लिए पैकेज कोई नहीं है? 6 महीने पहले डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मैडम ने 3 बार लेटर लिखा था सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इनकी पेंशन बढ़ाई जाए, और हमने भी अपने लोगों को हालांकि हमारी पेंशन बढ़ने वाली है, मगर आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई, क्यों? हम केंद्र की बात करें, जम्मू कश्मीर प्रशासन की बात करें, बार बार कहा जाता है सभी वर्गों के लिए जो है काम किया जा रहा है, खासकर कोरोना महामारी के दौरान हर वर्ग के लिए सहायता कह रहे हैं कि दी जा रही है, ऐसे में दिव्यांग कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, दिव्यांगों को कोई मिला नहीं आज तक, हम कैसे कहें, हम क्यों बैठे हैं जहाँ उनका स्यापा किया मैंने सिर मुड़वा के, क्यों बैठे हैं इधर? हमें ना तो पैकेज दिया गया कोई स्पेशल, ना हमारे घरों में कोई राशन दिया गया, पूछिए सभी दिव्यांग बैठे हुए हैं, किसी घर में कोई राशन देने गया है? सिर्फ अपने फोटो डिप्लोमेसी करते हैं, 2 लिफाफे उठाते हैं, दे देते लोगों को, फोटो खिंचवा के दे देते हैं। क्या अभी आप देख रहे हो
कितनी प्रॉब्लम में हम लोग जी रहे हैं, किसी ने हाल पूछा हमारा? ये जो बीजेपी के लीडर है, जब ये पंच सरपंच जो डीडीसी बीडीसी हैं, आपके सामने 3 दिन स्पेशल ड्राइव चली थी दिव्यांगों के लिए इंजेक्शन लगाने के लिए कोविड के, मैं 3 दिन वहाँ रहा, 100 के करीब हमारे दिव्यांग लोगों ने इंजेक्शन नहीं लगवाए। क्यों लगवाए? क्योंकि गाड़ियाँ बंद थी, ये लोग नहीं ला सके उनको। मैं पूछता हूँ, जब आप लोगों ने वोट लेने होते हैं, हमारे लोगों को उठा उठा के ले जाते हो वोट डालने के लिए, तो जब हमारे लोगों को दिव्यांगों को इंजेक्शन लगवाने की बारी आई तो आपकी गाड़ियाँ क्या खराब हो गई थी? क्या सिर्फ राजनीति के लिए वोटों के लिए इस्तेमाल किया जाता है दिव्यांग? बिल्कुल, हमारे दिव्यांगों को सिर्फ वोटों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है। मैं 3 दिसंबर को हर बार प्रोग्राम करता हूँ आपके सामने, सभी लोग आते हैं, मगर पूरा साल हमारे लिए कोई नहीं बोलता है। मैं आज मुँह उनके मुँह पर कहता हूँ कि कोई नहीं बोलता हमारे लिए। जब 3 दिसंबर आएगा फिर वो लारे लपे लगाएंगे हमको, हाँ जी ये करें वो करें, करेंगे कुछ नहीं। कितना ज़रूरी है दिव्यांगों के लिए AAY राशन कार्ड? देखिए, एक दिव्यांग जो बेड रेस्ट पे है, नहीं कमा सकता है, उसको 1000 रुपये पेंशन से कुछ नहीं बनेगा। अगर AAY राशन कार्ड मिलेगा उसको 35 किलो राशन मिलेगा महीने का 90 रुपये में। वो अगर 20 किलो खाएगा, 15 किलो की वो दे के दुकान पे किराने की दाल भी ले सकता है, तेल भी ले सकता है, उसका गुजारा चल सकता है। उसके बाद AAY राशन कार्ड होगा उसका, वो मकान का अगर छत नहीं है तो उसकी छत डालने में उसको सहायता मिलेगी। तो ऐसी बातें हैं कि अगर सरकार कुछ करेगी नहीं हमारे लिए तो हम तो बैठेंगे धरने पे, हम तो उसका छापा करेंगे ना सिर मुड़वा के। क्या बाकी राज्यों में ये ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है? हाँ, बाकी राज्यों में इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो कहाँ वजह कहाँ पे नजर आती है, कमी कहाँ पे नजर आती है जो जम्मू कश्मीर में आज तक ये ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया? देखिए, वजह यही है कि ब्यूरोक्रेसी है। आज एक ऑफिसर चीफ सेक्रेटरी बन जाता है हमारा CAPD का, कल बात शुरू होती है दूसरा आ जाता है, डायरेक्टर आता है जो काम करने वाला शुरू करता है काम तो दूसरा आ जाता है, यानी कि उसको काम करने नहीं देना हमारा, हमारा काम जो है श्रेणी चढ़ने देना उन्होंने, चेंजिंग कर देनी है ब्यूरोक्रेसी की, जब देखना लोड पड़ रहा है। सुशील जी, दिव्यांगों के लिए स्पेशल वैक्सीन ड्राइव की गई थी, कितने लोग हैं आपके दिव्यांग यहाँ अखनूर और खोड़ में, कितने लोगों को वैक्सीन लगी है? मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 3 दिन जहाँ हॉस्पिटल में रहा हूँ, 100+ मिनट लगे हैं, क्योंकि गाड़ियाँ नहीं चल रही थी तब, तो हमने तब भी बात दी थी, आपको पता, आपके सामने बात हुई थी कि ये जो पंच सरपंच BDC चेयरमैन है, DDC चेयरमैन है, जो भाजपा के बड़े बड़े लीडर हैं, कोई भी अपनी गाड़ियों में दिव्यांगों को लेकर हॉस्पिटल तक नहीं पहुँचा। क्यों नहीं पहुंचा? कि वो वोटों की राजनीति करेंगे। हमारा वोट पूरा है ना, अधूरा नहीं है, भले ही मैं 50% हूँ मगर मेरा वोट 100% है, वो उनको चाहिए बस, अदरवाइज कुछ नहीं। और बिल्कुल, तो कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। श्याम जी हैं प्रेसिडेंट एसोसिएशन के। श्याम जी, सबसे पहले तो आपका जेके टाइम में स्वागत है। कोरोना महामारी में किस तरीके से लाइफ गुजर रही है दिव्यांगों की? बहुत ही मुश्किल से। देखिए, जो कई दिव्यांग भाई हमारे हैं जो बेड रेस्ट पे हैं, कई तो हैं जो छोटा मोटा काम करते हैं, जैसे कि मैं भी टेलर का काम करता हूँ, मैंने एक दुकान ली है किराए पर। पिछली बार भी कोरोना टाइम मैंने 3 महीने का किराया ऐसे ही दिया है, 3 महीने दुकान बंद रही थी, किराया दिया, इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। और हमारे पास तो कोई अभी तक कोई नहीं पूछने आया कि आपको खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। AAY राशन कार्ड की बात करें तो आप लोगों को क्यों नहीं मुहैया करवाया जा रहा? ये तो हमने बहुत बार अप्लाई किया है गवर्नमेंट से, पता नहीं अभी जैसे सुशील जी ने आपसे कहा कि हमने, उन्होंने हमसे लिस्टें मांगी तो हमने उसको उनको लिस्टें प्रोवाइड की है, क्योंकि ये तो उनका काम था लिस्टों का, तो फिर भी लिस्टें भी दी है तो फिर भी पता नहीं क्या कर रहे हैं वो। तरसेम जी, आपसे बातचीत करूंगा, लगभग 8 महीने होने को है इस ऑर्डर को निकले हुए, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, इस धरने प्रदर्शन के बाद भी अगर सरकार नहीं जागती है तो आगे क्या करेंगे? सर, इसी की वजह है जो हमने आज प्रोटेस्ट किया है, अगर हमें इतनी फैसिलिटी मिलती तो हम आज यहाँ रोड पे नहीं खड़े होते, नहीं बैठते इधर, बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है, कोई नहीं पूछ रहा हमारे। अगर इस धरने के बाद भी सरकार नहीं जागती तो आगे की रणनीति क्या होगी? सर, हम रोड ब्लॉक करेंगे। बिल्कुल, तो ये थे अखनूर मुख्य चौराहे पर बैठे हुए कुछ दिव्यांग जो सरकार के विरोध में यहाँ पे आज प्रदर्शन कर रहे थे। मामला साफ है कि केंद्र सरकार ने 22 अगस्त 2020 को एक ऑर्डर निकाला था मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट ने, कि तमाम डिसेबल लोगों को जो है वो AAY राशन कार्ड बनाए जाएंगे उन लोगों के, जिसकी वजह से इनका जीवन जो है वो समृद्ध हो सके, इनका गुजारा जो है वो अच्छे से चल सके। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बावजूद जम्मू कश्मीर में ये ऑर्डर आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। पहले तो कहा जाता था कि दफ़ा 370 एक बड़ी वादा है,
केंद्र के कानून यहाँ पर लागू नहीं होते, केंद्र के ऑर्डर जो हैं जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते, तो फिर क्यों आज यूटी बनने के बाद भी 8 महीने से ऊपर हो चुके हैं, अभी तक ये ऑर्डर यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, जिस वजह से दिव्यांगों को बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हैं। दौरान इन्होंने ये भी साफ किया कि जो स्पेशल ड्राइव दिव्यांगों के लिए लगाई गई थी वैक्सीन की, वहाँ पे भी मात्र 100 से कम लोगों को वैक्सीन लगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो था पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद था, और तमाम चुनिंदा नुमाइंदे जो बड़े बड़े दावे करते हैं इलेक्शनों के दिनों में इनको घर से ले जाकर वोट डलवाते हैं, वो नाकामयाब रहे इन लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए, जिसकी वजह से ये लोग अभी वैक्सीन से भी वंचित हैं। अगर इनका कहना है कि सरकार इस धरने के बावजूद भी नहीं जागती, तो मजबूरन दिव्यांगों को इस तपती गर्मी में सड़क जाम कर प्रदर्शन करना पड़ेगा। ऐसे में एलजी प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द केंद्र के इस कानून को यहां पर लागू करें, जिससे जम्मू कश्मीर के तमाम डिसेबल्स यानी कि दिव्यांगों को इस स्कीम का फ़ायदा मिल सके। आप लोग जुड़े रहिए जेके टाइम्स के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, कैमरामैन आशु के साथ, जय हिंद।